कर ली। इस लड़की को छोड़ेंगे नहीं। ये हमारे बेटे की पत्नी है, तो पहले इस घर से रिश्ता तोड़वाइए, उसके बाद जहाँ जाना चाहे जाए। अगर इस लड़की ने हमारा सर झुकाने की कोशिश की, इससे पहले हम इसकी गर्दन उछाल देंगे। क्या गदर मचाया है, हो गई हीरो की एंट्री। ये है हीरो आपकी आशिका, आपकी आशिक को बचाने आया है। हाँ, आ गया हूँ। लेकिन आशिक के लिए नहीं, गीत के लिए। हाँ गीत, मुझे एहसास हो गया है कि तुम मेरे लिए ठीक थी मेरी लाइफ पार्टनर बनने के लिए। गलती की तुमसे रिश्ता तोड़ के, लेकिन मुझे जैसे ही एहसास हुआ मैं सीधा तुम्हारे पास चला आया। मुझे एहसास हो गया है तुम ही सही हो मेरे लिए, तुम्हारा प्यार सच्चा है। आई लव यू। ये क्या नया बवाल मचा रखा है? अगर गीत के साथ रिश्ता जोड़ने आए हो तो उस रिश्ते के बारे में क्या जो तुमने आशी के साथ जोड़ा हुआ है? इस तस्वीर के बारे में क्या? उस शादी के बारे में क्या जो तुमने आशी के साथ रचाई हुई है? उस प्यार के बारे में क्या जो तुम एक दूसरे से करते हो? किसने बोला कि आशी मुझसे प्यार करती है या मैं आशी से? नहीं, ये झूठ है। और मेरी और आशी की कोई शादी नहीं हुई है। आशी मंदिर गई थी, लेकिन पूजा करने के लिए, आप सबके लिए, प्रार्थना करने के लिए। और ये जो तस्वीर में आप आशी के हाथ में माला देख रहे हैं, उसने भगवान जी पे चढ़ाई थी। हम मैं आशी से मिला था, लेकिन मैंने आशी से मिलके यही बात की कि मैंने कितनी बड़ी गलती की है गीत के साथ रिश्ता तोड़ के। लेकिन अब मैं समझ गया हूँ, अब मैं अपनी गलती सुधारूंगा और गीत के साथ टूटा हुआ रिश्ता फिर से ठीक करूंगा। हाँ गीत। सिन, बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है, प्लीज जल्दी से यहाँ आ जाओ। यहाँ सबको गलत फहमी हो गई है कि आशी और तुमने शादी कर ली। अमृता आंटी बहुत गुस्से में, आशी के असली पापा भी यहाँ पर हैं, वो तो गुस्से से दहाड़ रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि वो आशी की जान ही ले लेंगे। अमृता आंटी, आपको बहुत बड़ी गलत फहमी हुई, ना तो आशी मुझसे प्यार करती है और ना मैं आशी से। चलो ठीक है फिर, लड़के ने कह दिया शादी नहीं हुई है तो शादी नहीं हुई है, लड़के ने कह दिया कि गीत से शादी करना चाहता है तो यही सही। अगर तुम्हें गीत से शादी करनी ही है तो जल्दी करो भाई। हम एक काम करते हैं, गीत के माँ बाप को बोल देते हैं, शादी की तैयारी शुरू कर ले। जी आंटी, अब हमारी शादी में कोई देरी नहीं होगी। अब हमारी शादी जल्द होगी। ऐसा लग रहा है जैसे कि मैं हवाओं में हूँ आज। इतनी खुशी मिली है ना, हाय। बस अब इस खुशी को किसी की नजर ना लगे। मैंने कर ही दिया आशी को सिट की जिंदगी से आउट। अब होगी सिट के दिल और जिंदगी में मेरी एंट्री, वो भी एक दिन, एक हफ्ते या एक महीने के लिए नहीं, पूरी जिंदगी भर के लिए। तुम्हें पूरा विश्वास है कि तुम सिट के दिल में एंट्री ले पाओगी? ये कौन बोला, कहीं मैं पकड़ी तो नहीं गई? अरे क्या हुआ, मुझे देख के इतना बड़ा झटका क्यों लगा? मैं कोई गैर थोड़ी ना हूं, तुम्हारी ही तो हूं। तुम्हारी परछाई, तुम्हारी गहराई, तुम्हारी अंतरात्मा। बोलो ना गीत, तुम्हें सच में लगता है कि सिट तुमसे प्यार करेगा? नहीं, नहीं करेगा, क्योंकि वो आज भी आशी से प्यार करता है। हाँ गीत, सही सुना तुमने। अरे उसकी आंखों में दिखता है, तुमने तो देखा ही होगा। तो क्या वो जितना आशी को चाहता है कभी तुम्हें चाहेगा? बिल्कुल चाहेगा, क्यों नहीं चाहेगा? सिट की शादी होने वाली है मुझसे, तो उसे रहना तो मेरे साथ ही है।
और प्यार का क्या है? प्यार तो शादी के बाद साथ रहते रहते भी हो ही जाता है ना। आज नहीं होगा, कुछ दिन बाद होगा, पर होगा जरूर। सुना तो होगा ना कि प्यार कभी भी कहीं भी किसी से भी हो जाता है, उसे भी हो ही जाएगा। ये तो अजीब है नहीं, शादी तुमसे, प्यार किसी और से, खुद के साथ भी और उसके साथ भी। चुप, एकदम चुप, अपना मुंह बंद करो, वरना वरना क्या क्या करोगी? शट अप, जस्ट गो, चुप चुप। सिट मेरा है, और चाहे चाहे कुछ भी हो जाए, मैं उसे हमेशा के लिए अपना बना के रहूंगी। क्या बात है यार, इतने सालों बाद अपने जिगरी यार से मिल रहा है, वो भी ऐसी सुनी आंखों के साथ, गले नहीं लगेगा? जिसके मन में अपनेपन का भाव ना हो और अपने सगे रिश्तों की कोई कदर ना हो, उससे क्या गले लगना। हाँ, हमने निधि से सुना कि तूने आशी की जान लेने की कोशिश की थी। अरे उस बच्ची के लिए हम अपनी जान तक दे सकते हैं, और तू अपनी ही बेटी की जान लेने पर तुला था। अरे ये क्या भूल गया कि वो तेरी बेटी है, तेरा खून है वो। जानते हैं, इतने भोले नहीं है हम कि अब हमें कोई हमारा ही रिश्ता बताए। आशी हमारी बेटी है, हमारा खून है, हम भी उससे प्यार करते हैं, लेकिन क्या करें, हमारा दिल पत्थर का है, कट्टर है। हम सिर्फ घर के नहीं हैं, पूरे गांव के हैं, मुखिया हैं, इसलिए समाज को लेकर चलते हैं। आशी हमारी बेटी है, लेकिन अब वो इस घर की बहू है। अगर उसने इस घर की इज्जत को मिट्टी में मिलाने की कोशिश की तो हम चुप नहीं रहेंगे, हम उसकी जान ले लेंगे। वाह, हमें गले लगाने आया था, लेकिन अपनी बेटी का गला काटने को तैयार है। अरे विनोद, वो तेरी बेटी है, एक बार कम से कम उसके सर पर पिता का हाथ तो रख दे, एक बार उसे पिता का सुख तो दे दे। नहीं देंगे, ऐसा कोई सुख नहीं देंगे जिसे वो सहारा बन के जिए। न जाने क्यों हमारा दिल अब भी नहीं मानता कि जो हुआ वो कितना सही कितना गलत। उन तस्वीरों में कुछ तो राज छुपा है जो हमारी नजरों के सामने है पर नजर नहीं आ रहा। आंटी आंटी आंटी, मैं बहुत खुश हूँ, फाइनली सिड ने इस टूटे रिश्ते को जोड़ दिया। मेरी शादी हो रही है सिड से, मेरे सारे अधूरे ख्वाब पूरे होने जा रहे हैं, और अभी कुछ देर में मॉम एंड डैड भी आते होंगे, और ये सब कुछ हो रहा है आपकी वजह से। थैंक यू आंटी, थैंक यू सो मच। अजय, थैंक यू बोलने की कोई जरूरत नहीं, तुम हमारी बेटी जैसी हो ना, तो इतना तो हम कर ही सकते हैं तुम्हारे लिए। आप कॉफी पियोगी? नहीं, हम चाय पी रहे हैं। अच्छा ठीक है, मैं जाके आशी की हेल्प करा देती हूँ। आशी, मुझे माफ कर दो, मुझे सच में कोई आइडिया नहीं था कि सिर ऐसे आएगा और वो सब कहेगा, पता नहीं ये सब कैसे। तुम्हें बुरा तो नहीं लगा ना? हमें क्यों बुरा लगेगा, तुम बहुत अच्छी लड़की हो और सिर से बहुत प्यार भी करती हो। सिट भी अच्छा लड़का है, सच कहे तो वो तुम्हें डिजर्व करता है, और वैसे भी सिट को जिस लड़की से प्यार हुआ था वो प्यार नहीं गलती थी, वो लड़की कभी उसकी हो ही नहीं सकती थी। अच्छा गीत, तुम्हारे मम्मी पापा आ रहे हैं ना आज? हाँ, हम एक काम करते हैं, जाके उनका रूम तैयार करवाते हैं।
दीदी क्या करती है तू? या तो खुद गिरेगी या कोई सामान गिराएगी, तुझे चैन नहीं मिलता। आशी काज है, संभल के। अरे आशी संभल के, काज है। अरे क्या, तेरा ध्यान कहाँ है? अभी चोट लग जाती ना। आपके रहते हमें चोट कैसे लग सकती है? आप है ना हमें हर तकलीफ से बचाने के लिए हमारे पिता। हाँ, हम नाम के पिता तो बन गए, पर जो तेरी रक्षा कर सके, तुझे मान सम्मान दिला सके, बस वो पिता नहीं बन पाए। निधि ने बताया हमें कि विनोद ने तेरे साथ क्या सलूक किया था। हमें माफ करना बेटा, तुझे उसके कहर से नहीं बचा सके, माफ करना। आप प्लीज हमसे ऐसे माफी मत मांगिए, आप हमसे बड़े हैं, और वैसे भी हमें किसी की कोई बात का बुरा नहीं लगा, और लगेगा भी क्यों, सब हमारे अपने हैं ना। निधि बेटा एक गिलास पानी लाना। जी बाबा, अभी आराम से जाना। आराम से देख, आराम से, और ये साफ भी करवा देना। क्या करती है लड़की। आशी एक बात कहें बेटा, उस दिन मंदिर में जो कुछ भी हुआ हमने सब देखा, तूने जो कुर्बानी दी, अपने बाबा का मान सम्मान रखा, वो हमने सब देखा बेटा। बस तेरे दिल में क्या है यही नहीं देख पाए हम। बेटा हमें ऐसा लगता है कि तेरे दिल में कुछ है जो तू हमसे कह नहीं पा रही है। तेरे दिल में जो कुछ भी है तू हमसे कह, एक पिता नहीं बल्कि एक दोस्त समझ, और जो कुछ भी तेरे दिल में है ना वो हमसे कह दे। देख अगर सिद्ध के लिए तेरे मन में कोई जज्बात है, कोई एहसास है, या कुछ कुछ प्यार है तो हमें बता दे बेटा, बता दे हमें। भाई अब क्या कह रहे हैं बाबा, ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ सिद्ध, सिद्ध एक बहुत अच्छा लड़का है, और गीत से उसकी शादी, हम खुश हैं उनकी खुशी में। और तेरी खुशी? अपनों की खुशी में। और तेरे दिल में क्या है? कुछ नहीं, कोई नहीं बाबा, हम सच से प्यार नहीं करते। हमारे दिल में अगर सिद्ध के लिए कुछ है तो वो सिर्फ इज्जत है, और अगर प्यार है तो वो सिर्फ अपने बाबा के लिए, इस घर के लिए। तो जानते हम ये, तुम जानते हैं बच्चे। मॉम, अच्छा हुआ मॉम आप आ गए। हमारी बेटी की जिंदगी की इतनी बड़ी खुशी, हम कैसे नहीं आते। मॉम डैड कहाँ है? वो बेटा उनकी बहुत जरूरी मीटिंग आ गई थी, उनका जाना सच में बहुत जरूरी था। इसकी हिम्मत कैसे हुई, इसकी हिम्मत कैसे हुई हमारे घर में आने की? ज्यादा सोचे मत, ये अपनी मर्जी से नहीं आए, हमने बुलाया नहीं। गीत का परिवार है, गीत की शादी हो रही है, इन्हें नहीं बुलाते हम, ऐसा कैसे हो सकता है? जरा एक मिनट, आइए आइए ना। नमस्ते अमित जी। आशा, आशा आई एम सॉरी, प्लीज मुझे माफ कर दो। अंकल जी प्लीज, प्लीज आप मुझे इससे माफी मांग दीजिए, मैं अपने किए कराए पर बहुत शर्मिंदा हूं। प्लीज आशी, प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझे सच में पछतावा हो रहा है। मैं, मेरा प्लीज यकीन करो, मैं वो पहले वाला नकुल भी नहीं रहा। मेरी अब नजरें तुम्हारे ऊपर नहीं है, बल्कि मेरी नजरों में तुम्हारे लिए बहुत सारी इज्जत और ढेर सारा मान है। और ढेर सारा प्यार भी। आंटी जी प्लीज, आप प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, मैं वो पुराने वाला नकुल नहीं रहा। निधि प्लीज मुझे माफ कर दो, मैंने जो किया मैं बहुत शर्मिंदा हूँ उसके लिए, प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दो। उठो बेटा, हेलो जी, हाउ आर यू? अरे शर्मा जी आइए आइए। नमस्ते। नमस्ते।
अरे विनोद, आप बैठे ना। बैठे। आइए बैठे। विनोद भाई साहब बड़े सही समय पर आए हैं। आइए आपको मिलवाते हैं सबसे। ये है रोहिणी जी, गीत की मम्मी और हमारी सहेली। नमस्ते। और ये है विनोद भाई साहब, आशी के बाबा, गांव से आए। वैसे अमृता सिस्टर, एक बात तो माननी पड़ेगी, आप दोनों ने आशी की परवरिश ऐसे की है, इतना प्यार दिया उसे कि हम लोगों को कभी फेल ही नहीं हुआ ये कि वो आपके असली चाइल्ड नहीं। बुआ जी, चाइल्ड। शेम टू शेम। अरे हमको तो ऑलरेडी ये पता था कि कामिनी की बनाई हुई जोड़ियां कभी फेल आउट हो ही नहीं सकती। देख लीजिए रिश्ता मैड हो गया कि नहीं हो गया। हमको तो ये पता था ना, इसीलिए हमने पंडित जी को भी इनसाइट कर ही लिया था। आते होंगे अभी। अरे देखिए, आइए आइए पंडित जी, अब इन दोनों चाइल्ड का ना अच्छा सा शादी का मुहूर्त निकलवा दीजिए। बस ये कुंडली लीजिए। अद्भुत, आज से एक हफ्ते बाद का मुहूर्त बहुत ही शुभ है, शादी के लिए अति उत्तम। अरे वाह, ये तो बड़ी अच्छी खबर है। मुबारक हो शर्मा जी। बहुत बहुत बधाई सबको। रोहिणी, हम चाहते हैं कि गीत बिटिया की शादी यहीं हमारे घर से हो। पहले भी तो गीत की शादी यहीं से होने वाली थी ना, हमारे घर से, तो अब भी शादी यहीं से होनी चाहिए। अरे अमृता, इसमें पूछने वाली क्या बात है, हमारी और तुम्हारी बेटी साझा ही तो है। मुबारक हो गीत। थैंक यू। इस लड़की की नजर कुछ तो बोल रही, ये कुछ बोले उससे पहले हमें गीत से इसकी शादी करवानी ही होगी, चाहे कुछ भी हो जाए। पंडित जी, अब दोनों बच्चों का सगाई का भी एक गुड़ी वाला मुहूर्त निकाल दीजिए आप। बुआ जी, उसकी जरूरत नहीं है। सगाई कुछ दिन बाद नहीं, सगाई आज ही होगी। आज शाम को। अरे वाह अमृता सिस्टर, क्या अप टू डेट वाला ऐसा डिक्लेरेशन करवाया है आपने, देख के एकदम मजा ही आ गया मुझे तो, गजब। अमृता, थैंक यू सो मच। अब इसमें थैंक यू कहने की क्या जरूरत है, तुम हमारी सहेली हो भाई, अब तुम्हारी बेटी मतलब हमारी बेटी, तो थैंक यू कहने की कोई जरूरत नहीं, इतना तो हम कर ही सकते हैं उसके लिए। एक मिनट गाइस, मैं अभी आई। ओके। सिट, कहाँ थे तुम, कब से मैं तुम्हें ढूंढ रही हूँ। अच्छा, मैं कैसी लग रही हूँ? स्टाफ से कुछ लोग आए हैं, मैं आता हूँ। सगाई मुबारक हो सर। थैंक यू, अच्छा लगा मुझे तू आए। अरे भाई, ऐसे कैसे नहीं आता, हमने कुंदन को इतने प्यार से बुलाया था तो आना ही था, और तेरी सगाई थी बेटा। शर्मा अंकल ने इतने प्यार से बुलाया था और मेरे यार की सगाई है तो हमें तो आना ही था। एक मिनट, तुम लोग आपस में बातें करो, मैं तुम्हें बाद में ज्वाइन करता हूँ। जी। मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया, I'm sorry, please मुझे माफ कर दो। please sorry मांगने से नहीं मिलती, कमानी पड़ती है। तो कमाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? Follow me.
भी कोशिश कर लूं, लेकिन तुम हमेशा मेरी खुशियों के आसपास ही मंडराती रहती हो। कोई बात नहीं, तुम्हें तो मैं मेरी और सिड की जिंदगी से दूर करके रहूंगी। कैसा है? अच्छा, कैसा है? ठीक। अंकल, सब हाथ से निकल गया क्या? बहुत देर हो गई, अभी कुछ नहीं हो सकता क्या? नहीं विकास, अब कुछ नहीं हो सकता। ये लोग हमारे जैसे नहीं है जिनके लिए बच्चों की खुशी सबसे पहले हो। हागीर आशी, वो अमृता आंटी ने जैसा कहा था ना, मैंने एंगेजमेंट की सारी तैयारियां बिल्कुल वैसे ही कर ली हैं। सामान वो वहाँ सोफे पे रखा है, तो तुम एक बार जाके चेक कर लो, कहीं कुछ छूट तो नहीं रहा। अच्छा ठीक है, हम देखते हैं। ठीक। अब होगी आशी की एंट्री और मेरा शॉट। आशीष, इससे पहले कि कुछ और अनहोनी हो जाए ना, अब रिंग फिंगर की रस्म शुरू करो बस। बेचारी आशी रह गई प्यासी की प्यासी। अरे गीत, सिट को रिंग आउट करो। सिट, तुम्हें तो उंगली में चोट लगी। ये तो अंगूठी वाली उंगली है ना, अंगूठी कैसे पहनोगे?